सो हे हाय हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है अगेन मेरे इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस तरह की एडिटिंग करने के दिखाने वाला हूं, कैसा इस तरीके से एडिटिंग किया जाता है, यानी अपने वीडियोस के बैक साइड में स्काई वाली इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। ओके, तो इसके लिए चाहिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत। एक कैपकट एप्लीकेशन, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आज जाके डाउनलोड कर लेना है। ओके, एंड दूसरी गूगल प्ले स्टोर से कोई सा भी VPN आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे एंड जिस वीडियो को हमें एडिट करना है, जिसके पीछे हमें स्काई इफेक्ट देना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट करा, इसके बाद इसको हम कर देते हैं टाइमलाइन में ऐड। चलिए हमारी वीडियो आ चुकी है टाइमलाइन के अंदर, बाकी का जो पार्ट रहेगा इसको हम कर देते हैं डिलीट। एंड सबसे पहला काम अब क्या रहेगा हमारा एडिटिंग के लिए, हमें ओवरले ऐड करना है। ओवरले में जाना है एंड ऐड ओवरले पे जाना है। एंड ये वाले इसका का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना है। ओके, इसके बाद इसको हम ऐड कर देते हैं ओवरले में। ओके, चलिए हमारा इसका कुछ इस तरीके से आ चुका है लेयर में। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से जहाँ हमें इसका लगाना है। ओके, तो इसका हमेशा ऊपर रहता है, तो इसको ऊपर ही रहने देते हैं। तो इसको हम अपने हाथों से थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो इसका है वो रियल लगे। ओके, तो चलिए इस तरीके से हम सबसे पहले अपने स्काई को एडजस्ट कर लिए हैं। अब आपको लग रहा है अगर थोड़ी सी ऊपर है तो आप नीचे कर सकते हैं, या नीचे लग रहा है तो ऊपर कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो चलिए हमने कुछ इस तरीके से खींच के नीचे कर दिया। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके जाएंगे हम मास्क के ऑप्शन में। मास्क करना है तभी इसमें रियलिटी आएगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए हमें मास्क पे, यहाँ पर मास्क में आए हैं एंड स्प्लिट पे क्लिक करते हैं। एंड ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से नीचे की ओर लेके जाना है। ओके, इसके बाद यहाँ से ये जो एरो दिख रहा है आप सभी को, इसको इस तरीके से खींच देना है। ओके, तो ये हो गई हमारे स्काई वाली इफेक्ट। अब बढ़िया लग रहा है कुछ वीडियोस, अब यहाँ पर देखिए वीडियो हमारे बहुत ही बढ़िया लग रहा है फिर भी, लेकिन ये जो हमने मास्क करा है उसका जो लाइन है हल्का सा दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मास्क में जा के ये वाली लाइन को हल्की सी ऊपर कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से अब हमारी लाइन गायब हो गई होगी, अब यहाँ से लाइन नहीं दिख रही है, वीडियो अच्छा दिख रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, हम ऐड ओवरले पे अगेन जाएंगे। ओके, इसके बाद जो वीडियो हमने सेलेक्ट करा था पहले, उसी वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, ये वाला वीडियो हमने सेलेक्ट करा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं अगेन एंड इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको बिल्कुल ध्यान से फुल स्क्रीन करना है। अब इसका जो बैकग्राउंड है इसे आपको रिमूव कर देना है। ओके, कुछ इस तरीके से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब चलिए मैं आप सभी को प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम पूरी वीडियो चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलिए ये रहा हमारा फाइनल वीडियो। दोस्तों इस तरीके से आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड के पीछे स्काई वाली इफेक्ट दे सकते हैं। और इसी तरह की और भी एडिटिंग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय बाय, मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।